लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में पशुपालन विभाग द्वारा अक्सी पंचायत के ग्राम गोरिया बंदवा में जी प्रज्वलित विहार रांची एनजीओ द्वारा शुकर बीज का वितरण महिलाओं लाभुक के बीच किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सभी शुकर के बीज मर गए। 20 महिलाओं लाभुक के बीच ये शुकर बीज वितरण किया गया था। इस संबंध में गोरिया बंदवा महिला लाभुक इलीजा वेद, प्रभा, मानती देवी, कृपा देवी, मंजू सहित अन्य लाभुक ने बताया 31 दिसंबर 2021, 5 जनवरी 2022 को एनजीओ द्वारा शुकर पालन हेतु शुकर बीज का वितरण किया था, जिसकी वजन सरकारी मानक अनुसार कम थी। वो सभी शुकर धीरे धीरे कर मर गई। वहीं विभाग द्वारा सभी के बैंक खाते में 57,550 रूपये भेजा गया, जिससे एनजीओ के सदस्य रामजीत उरांव, नवीन कुमार सिंह व्यक्ति द्वारा हमारे खाते से कहकर पैसा दूसरे खाते में डलवा दिया गया कि ये एनजीओ का पैसा है जिसे सप्लायर को देना है। वहीं इस संबंध में एनजीओ के सदस्य कृष्णा ने बताया सभी लाभुक के खाते में पैसा भेजा गया है जिससे निकलकर सप्लायर को दिया जाना। वहीं इस संबंध में कोई भी लाभुक को पता नहीं कि उनके खाते से बिना साइन के ही खाते से दूसरे के खाते में पैसा चल रहा है। इस लेकर ग्रामीण जिला परिषद सदस्य मनीना कुजूर से मिली मरे हुए शुकर के मुआवजा सहित अवैध पैसे निकासी की जानकारी दी, जिस पर जिप सदस्य ने डीसी लातेहार से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में एसडीओ नीत निखिल सुरीन ने कहा लाभुक द्वारा आवेदन देने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बताते चले पूर्व में भी महुआ डांड प्रखंड के कई गांवों में निदान फाउंडेशन द्वारा बकरी पालन योजना अंतर्गत बकरी वितरण कर लाखों रूपये का घोटाला किया गया था। महुआ डांड से तनवीर विंकू की रिपोर्ट। आप लोग को कब सुअर मिला था? हम लोग को 31 दिसंबर और 5 जनवरी को मिला था। अभी सुअर है जिंदा? आधा जिंदा है आधा मर गया। कितना कितना पीस मिला था? 5-5 पीस। उसके बाद फिर क्या हुआ? और वो 5 पीस मिलना था 10 केजी, लेकिन मिला है 1 केजी 2 केजी, ऐसे मिला है हम लोग को सुअर। और पैसा आया था हम लोग का खाता में 57,550 रूपया, और उसको पूरा ट्रांसफर करके जो सुअर बांटा वही ले गया। उनको उनका क्या नाम है, नाम जानते हैं? उनका नाम नवीन कुमार सिंह है और वो कल्याण विभाग से हैं। ये महिला जो लाभुक लोग हैं जिनको सुअर मिला था, उनका क्या स्थिति है मैडम, बताया जाए? ग्राम बंधुआ और ग्राम गोयरा अक्सी पंचायत के लाभुक लोग हैं। इन लोगों को कल्याण विभाग से अनुदान में पता चला है कि सुअर वितरण किया गया है, तो इन लोगों को 5-5 पीस से सुअर का बच्चा दिया गया। और उसका क्या क्वांटिटी था मुझको नहीं पता, लेकिन प्रखंड का बैठक में वीडियो साहब, जिला परिषद और प्रमुख के संयुक्त बैठक से गांव का चयन किया जाता है। जब हम लोगों ने सोच समझ के जिस क्षेत्र में बकरी पालन, जिस क्षेत्र में बतख पालन, जिस क्षेत्र में सुअर पालन, इस तरह का गांव को हम लोग सोच करके हम लोग गांव का चयन करते हैं, तो जब आगे उन लोगों का लाभुक लोगों का जब ग्राम सभा से स्वीकृत होता है नाम, और जब ग्राम सभा से स्वीकृत हो गया है तो जब वितरण होता है उस समय कोई किसी को जनप्रतिनिधि को तक नहीं खोजता है, और इसी एवज में इन लोग भारी गड़बड़ी किए हैं, क्योंकि 57,550 रूपया इन लोगों का अकाउंट में घुसा है। सप्लायर है, ठीक है, उसको पैसा लेना था सुअर का, वो ले लिया, लेकिन बिना साइन किए इन लोगों का लाभुक लोगों का खाता से ट्रांसफर कैसे हो गया? जो प्रज्ञा केंद्र से निकासी करना है उन लोग से कम करके ट्रांसफर करवा रहा है, पैसा निकासी करवा रहा है, लेकिन ग्रामीण बैंक से जो ट्रांसफर हुआ है उसमें लाभुक लोग साइन नहीं किए हैं और डायरेक्ट इन लोग ट्रांसफर कर दिया है। और नाम पता चला है, एक है रामजीत उरांव और दूसरा व्यक्ति है नवीन कुमार सिंह, जो इन लोग सप्लायर है या क्या है ये पता नहीं है, और मुझको नहीं पता। मैं बात की फोन से तो बोला कि मैं आरटीडीए से है, तो जी हाँ आरटीडीए से है ऐसे बोल के बोला। इसको पता नहीं है कि वो किस विभाग का है या सप्लायर है। अगर गड़बड़ी किया है तो कार्रवाई होगा मैडम? गड़बड़ी किया है तो पैसा तो उसको वापस करना पड़ेगा खाता में, और कार्रवाई तो होगा, क्योंकि जितने लाभुक है उन लोगों को सबको मैं उपायुक्त महोदय से एक बार बात करूंगी, और हमारे कल्याण आरटीडीए के डायरेक्टर जो हैं प्रतिमा सर उससे भी मैं बात करूंगी। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।